नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, CCTV कैमरे को लगाने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, आप एक सिंबल को चिपकाते जरूर होंगे जो कि होता है आप CCTV कैमरे के नज़र में है, यू आर इन अंडर सर्विलेंस, ऐसे करके आप चिपकाते होंगे या फिर जो कस्टमर है वो खुद अपने से वो लगाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को इसका यूज़ नहीं पता आखिर ये क्यों लगाते हैं। सबसे बड़ा मकसद तो होता है उनका कि हाँ यहाँ पर कैमरा है और ये वो बताना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसे नहीं लगाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर ऐसा कहते हैं कि आप छुपा के लगाइए कैमरे को, नहीं बताइए, इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए और ये सिंबल को भी नहीं लगाइए, तो उससे क्या परेशानी आपको हो सकती है ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है, इसलिए आप ये ज़रूर समझिए कि वो CCTV का जो वो सिंबल है, जो साइन है, वो क्यों ज़रूरत है, क्या उसके नहीं लगाने से आपको परेशानी हो सकती है और क्या बचने के उपाय हैं। आज मैं सभी बारे में आपको बताऊँगा और देखते रहिए हमारे पूरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक तो जरूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो CCTV कैमरा जो आप लगाते हैं, जहां भी लगाते हैं, चाहे आउटडोर, इंडोर, जहां भी, जिस भी जगह, चाहे मॉल हो या घर हो, आप शॉप हो, कहीं हॉस्पिटल हो, जहां भी आप लगाते हैं, तो वहां पर आप पूरा CCTV सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसमें आपका एडवर्टीजमेंट भी रहता है। एडवर्टीजमेंट आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, आप उस साइन को ज़रूर लगाएं, चाहे आप कंप्यूटराइज बनवा के लगाएं या फिर आप स्टिकर टाइप का बनवा लें। आप CCTV कैमरे की नज़र में हैं और नीचे अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दीजिए। इसका आपको एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको कस्टमर आपको मिलेगा, वो जो वो सिग्नल को देखेगा वहाँ पर, वो जिसको CCTV कैमरे की लगाने की ज़रूरत होगी वो उस फ़ोन नंबर से जो है वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। दूसरा, आप इसको समझ लीजिए कि वो प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मैटर है जिसके कारण जो है आपको ये परेशानी आ सकती है। हालांकि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है और हुआ यूं था कि जब मैं CCTV कैमरे को इंस्टॉल किया एक जगह पर, तो वहां उन लोगों ने कहा कि आप बाहर में कैमरे को इस तरह लगाइए कि वो सामने वाले घर का जो है बालकोनी जो है, जो वो बाहर में वो लोग बैठते थे, वो भी दिखाई पड़े। तो उस तरह से मैंने लगा दिया और लगाने के बाद जो है मुझे, मैंने कस्टमर ने जिस तरह से कहा, मैंने उन्हें फुली सेटिस्फाइड करके जो है अपना पेमेंट वगैरह लेके मैं चला गया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण जो है काफ़ी परेशानी मेरे साथ हो गई कि उन्होंने पूरी तरह से जो है, जो कस्टमर उन्होंने कहा था कि लगाने के लिए, तो मैंने वो लगा तो दिया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि उस सिंबल को नहीं लगाया, मुझे नहीं बताना कि यहाँ पर मैंने कैमरे को लगाया है। अब एक तरह से वो CCTV कैमरा एक हिडन कैमरा जैसा बन गया, और हिडन कैमरा और CCTV कैमरा में अगर लीगली कुछ देखा जाए तो बस यही है कि आपको बता देना होता है कि हाँ आपने कैमरे को लगाया है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो है एक हमारा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के में वेबसाइट में जाके आप देखिएगा हमारा जो अधिकार है, सभी को पता है जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, ये सब पता है। तो इसमें एक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें फिर प्राइवेसी की एक पॉलिसी है, उसको इसमें जो है पूरी तरह से जो है ये भंग कर दिया जाता है। इस सिस्टम से, सिक्योरिटी सिस्टम आप लगाते हैं और आप सिंबल को नहीं लगाते हैं, तो वो पूरी तरह से उसको ये माना, उसके खिलाफ माना जाएगा। और अगर वो सामने वाला, अगर लीगली उसको इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ का और उसे इस बारे में पता है, या फिर अगर वो वकील है या फिर उसके आसपास में कोई रिलेटिव्स में है और ऐसी बातें होती हैं, तो वो आप पर एक लीगल एक्शन ले सकता है। और आपको पता है कि ये मौलिक अधिकार और ये कर्तव्य वगैरह जो है, ये अगर टूटते हैं या इसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है, वहाँ पर डायरेक्ट कोई भी याचिका दायर किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत तरह की जो है, मुझे, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हाँ मुझे धमकी ज़रूर मिली कि ऐसा हो सकता है। तो फिर बाद में मैंने उस गलती को रियलाइज़ किया कि हाँ, कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के चक्कर में कभी हम लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसका परिणाम बहुत ज़्यादा हो सकता है। हालांकि बाद में उस कैमरे को जो है मूवमेंट करके वो सही तरह से लगा दिया गया, और इसमें अब कैमरा लगा, कैमरा वो अपने रूट में उन्होंने लगाया था, और उससे अगर उसका बालकोनी दिख रहा है तो उसमें ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम जो है वो तो खैर उतना बड़ा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बताया नहीं, उनको बताना चाहिए था कि उन्होंने कैमरे को लगाया है और काफ़ी छुपा के उन्होंने लगवाया था, तो कैमरे को लगाया है ये बाहर में इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था ताकि अगले को पता चले।
और ये आप लीगली तो इलीगल है ही, प्लस आप एक इंसानियत के नाते भी ऐसा करना गलत है। आपको अगर वो सामने वाला कहता है कि नहीं मैं इसे छुपाना चाहता हूँ, तो आपको खुद मना करना होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें बताना है और इस सिंबल को देना है। बाद में वो हटा दे कोई दिक्कत नहीं, आप उस सिंबल को लगा के आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए आप अपना, और आपके पास एक प्रूफ हो गया, एविडेंस हो गया। इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है इस तरह का, तो फिर आप कोई साथ जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, वो कस्टमर फंसेगा। इसलिए इस चीज़ को मैं आपको बताऊं कि मैं पर्सनली इस चीज़ को मुझे बहुत ही ख़राब लगा था उस दिन, और मैंने खुद जाके जो है उनको काफ़ी नॉलेज था लीगल जो भी सिस्टम इसके बारे में, तो कानून के बारे में, तो मैं खुद जाके वेबसाइट में जाके मैंने सर्च किया, तो वहाँ पर मैंने पाया कि हाँ अगर आप CCTV लगाते हैं और बाहर में आप सिंबल नहीं लगाते हैं, यानी कि आप दूसरों को नहीं बताते हैं कि आपने CCTV कैमरे को लगवा रखा, तो वो एक तरह से हिडन कैमरा जैसा ही हो जाता है, और फिर आपके लिए वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप कानूनी जो है कानूनी तरीके में जो है फंस जाइएगा और परेशानी आपको हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा कि ये बहुत ज़रूरी है, मेरे साथ हो या आपके साथ ना हो, आप CCTV कैमरे का इंस्टॉलेशन करते हैं या फिर आप खुद कस्टमर हैं, तो आप खुद आप पर ये जो है आपका फ़र्ज है कि आप उस सिंबल को लगाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते धन्यवाद।